24 घंटे बाद कयामत से मुकाबला। जी हां, हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रहा तूफान बिपरजॉय गुजरात के तट से टकराने वाला है, लेकिन उससे पहले ही हवा और बारिश डराने लगी है और समंदर की लहरें अपना रौद्र रूप दिखाने लगी हैं। बिपरजॉय कितना भारी तूफान है, इससे निपटने की तैयारी कैसी है, इसकी हर अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं ताकि आप सतर्क रहें, क्योंकि अगर लोग सतर्क होंगे तो सरकार की तैयारियों का असर भी ज्यादा दिखेगा और इस आपदा में कम से कम नुकसान होगा। और तूफान से जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए आपको सीधा साइक्लोन सेंटर लेकर चलेंगे, जहां पर मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े रहेंगे, प्रणय उपाध्याय, उनके पास आपको लेकर चलते हैं। जी आदर्श, बिल्कुल। और बिपरजॉय तूफान की नॉनस्टॉप कवरेज लगातार एबीपी न्यूज पर जारी है और मैं इस वक्त हूं साइक्लोन सेंटर में, जहां से आपको बिपरजॉय से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी, कोई भी जो खबर है वो सबसे पहले हम पहुंचाएंगे। कोई भी बड़ी हलचल होते ही फौरन आप तक डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इस महातूफान से जुड़ी हुई 50 तस्वीरें फटाफट अंदाज में। गुजरात की ओर तेजी से बढ़ रहा है महातूफान बिपरजॉय। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि इसका असर कितना खतरनाक होने वाला है। महातूफान कल शाम तक सौराष्ट्र और कच्छ से टकराएगा, जिसमें हवा की रफ्तार 125 किलोमीटर से 135 किलोमीटर प्रति घंटा होने का अनुमान है। महातूफान अभी गुजरात से दूर है, लेकिन ये इतना भयानक है कि असर अभी से दिखने लगा है। द्वारका में तो समंदर में अभी से ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। गुजरात के कई जिलों में तो तूफानी हवाएं भी चल रही हैं। बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तूफान से पहले गुजरात के अरावली समेत कई जिलों के लोगों की बढ़ी परेशानियां। तूफानी हवाओं के साथ हो रही है भारी बारिश, कई इलाकों में भरा बारिश का पानी, जिससे वहां के लोगों को काफी मुश्किलें हो रही हैं। तूफान की भयावता को देखते हुए कच्छ के कांडला पोर्ट को खाली करवाया गया है। 1500 से 2000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जायजा लिया। मोरबी के नवलखी पोर्ट पर भी जहाजों की आवाजाही बंद कर दी गई है। अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। तेज तूफानी हवाएं चलने लगी हैं। पोर्ट के आसपास रह रहे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। गुजरात के साथ देश के कई अन्य राज्यों पर भी चक्रवाती तूफान का असर दिखने लगा है। मौसम विभाग ने तूफान बिपरजॉय के लिए 9 राज्यों में अलर्ट जारी किया। लक्षद्वीप, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम, अरुणाचल, मेघालय और पश्चिमी राजस्थान में दिखेगा तूफान का असर। गुजरात के 8 जिलों में पूरी तरह अलर्ट है। केंद्र सरकार लगातार हर हालात पर नजर बनाए हुए है। केंद्रीय मंत्रियों को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी मौके पर मौजूद हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं। गिर सोमनाथ में समुद्र की लहरें लोगों को डराने लगी हैं। समंदर का पानी पास के इलाकों में घुस गया। कई मकानों के अंदर भी ये पानी दाखिल हो गया। वहां के रास्तों पर भी पानी का कब्जा हो गया, जिसके बाद कई लोग एहतियातन सुरक्षित ठिकानों पर चले गए। गुजरात के 8 जिलों में तूफान बिपरजॉय का अलर्ट जारी किया गया है। ये 8 जिले हैं कच्छ, पोरबंदर, द्वारका, गिर सोमनाथ, मोरबी, राजकोट, पोरबंदर, जूनागढ़। इन सभी जिलों में प्रशासन चौकस हो गया है। 6,827 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। इन 8 जिलों में 6,041 अगरिया भाई रह रहे हैं, जिनमें से 3,243 अगरिया भाइयों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। तूफान से प्रभावित होने वाले जिलों में एनडीआरएफ की 15 और एसडीआरएफ की 12 टीमें तैनात की गई हैं। कल शाम 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जखाऊ बंदरगाह से चक्रवात टकराएगा। गुजरात के देवभूमि द्वारका में समंदर उफान पर है। समुद्री हवाओं के जोर की वजह से हाई टाइड आने शुरू हो गए हैं। हालात को देखते हुए समंदर के पास श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत नहीं है। कल बिपरजॉय तूफान गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगा। गुजरात के पोरबंदर में दिख रहा है बिपरजॉय तूफान का असर। चक्रवाती तूफान की वजह से बदल गया है मौसम का मिजाज। तेज बारिश हो रही है और हवा की रफ्तार बढ़कर हो गई है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। लगातार विकराल रूप लेता जा रहा है तूफान। गुजरात के कच्छ के कांडला बंदरगाह पर तूफान से पहले की खामोशी साफ दिख रही है। महातूफान की वजह से कांडला बंदरगाह को बंद कर दिया गया है। आसपास के इलाके खाली कराए गए हैं। बिपरजॉय तूफान के कारण गुजरात के कच्छ में कांडला बंदरगाह को बंद किया गया। सैकड़ों ट्रक गांधीनगर में ही रोक दिए गए। ट्रकों की लंबी लाइन लग गई है। गुजरात के द्वारका में तेज हवाओं के साथ समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं। महातूफान के खतरे को देखते हुए गोमती घाट पर श्रद्धालुओं की एंट्री बंद है। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालु द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन कर सकते हैं, लेकिन गोमती घाट पर स्नान की इजाजत नहीं है।
बिपरजॉय को लेकर मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी जारी की है। कल 135 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से तेज तूफानी हवाएं चल सकती हैं। गुजरात के कच्छ में तूफान से सबसे ज्यादा खतरा है। यह है गुजरात के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक, जखाउ बंदरगाह। बिपरजॉय तूफान इसी बंदरगाह से सबसे पहले टकराने वाला है। फिलहाल ये बंदरगाह वीरान पड़ा है, लेकिन यहाँ का समुद्र अशांत है। तेज हवाएं चल रही हैं और रुक रुक कर हो रही है बारिश। बिपरजॉय तूफान के खतरे को देखते हुए गुजरात के भुज में भी पूरी तैयारी है। प्रशासन ने निचले इलाकों के कच्चे मकानों में रह रहे लोगों को हटाया, उन्हें सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। उनके खाने पीने के भी इंतजाम का दावा प्रशासन ने किया है। गुजरात के नवसारी में तूफान बिपरजॉय को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। नवसारी के सभी समुद्र तटों पर सुरक्षा बल मौजूद है। लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। बिपरजॉय तूफान को लेकर डर और आशंका के माहौल के बीच टूरिस्टों की मस्ती। उत्तराखंड से गुजरात पहुंचे टूरिस्ट द्वारका में बिपरजॉय की वजह से बदले मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। ठंडी ठंडी तूफानी हवाओं का मजा ले रहे हैं, सेल्फी खिंचवा रहे हैं। इस बीच गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के लोगों से अपील की है, कहा किसी भी स्थिति में घबराए नहीं। बिपरजॉय तूफान की वजह से गुजरात के तटीय इलाकों में अलर्ट जारी है। महातूफान को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने समीक्षा बैठक की, जिसमें गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने राज्य में की जा रही तैयारियों की जानकारी दी। अमित शाह ने गुजरात सरकार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। गुजरात में लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में जुटे सेना के जवान। एनडीआरएफ की टीम लोगों की मदद में लगी हुई है। अमित शाह ने पेयजल और स्वास्थ्य समेत सभी आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बिपरजॉय तूफान को लेकर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा कि राज्य सरकार हर हालात से निपटने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, उन्होंने पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में आपदा प्रबंधन के सभी इंतजाम पूरा करने के दावे भी किए। गुजरात के गृहमंत्री हर्ष सांघवी ने कहा, द्वारका के आसपास के जिलों के लिए फुलप्रूफ प्लान तैयार कर लिया गया है। आसपास के 44 गांवों के 4000 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तूफान से पहले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने तैयारियों का जायजा लिया। भुज के मिलिट्री बेस पहुंचे मनसुख मांडविया, सेना के जवानों से बात की। मांडविया ने कहा, हर हालात से निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार। महातूफान को लेकर गुजरात से दिल्ली तक कल बैठकों का दौर जारी रहा। ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने भी गुजरात के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद सूबे के तटीय इलाकों में बिजली आपूर्ति को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। इस बीच गुजरात के मंत्री जगदीश विश्वकर्मा ने जूनागढ़ में तटीय इलाकों का दौरा किया, जहां उन्होंने बिपरजॉय तूफान से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ को लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए। कच्छ, पोरबंदर, द्वारका, राजकोट, जूनागढ़ और मोरबी को ज्यादा प्रभावित कर सकता है चक्रवात बिपरजॉय। एनडीआरएफ की 17 और एसडीआरएफ की 13 टीमें तैनात की गई हैं। 28,000 लोगों को हटाया गया, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। चक्रवात बिपरजॉय के मद्देनजर 69 ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि 32 ट्रेनों की आवाजाही को थोड़ी समय के लिए रोका गया है। आज और कल के लिए तटीय इलाकों की ज्यादातर ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। कर्नाटक के तटीय इलाकों में तूफान बिपरजॉय की दहशत दिखने लगी है। कर्नाटक के करीब 73 गांव तूफान की चपेट में आ सकते हैं। प्रशासन का अलर्ट जारी, कोस्टल इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई है। गुजरात के द्वारका की अब इस तस्वीर को देखिए। तूफान का डर इस कदर हावी है कि दूरदर्शन परिसर में लगा खतरनाक टावर हटा लिया गया है। बिपरजॉय तूफान की वजह से हो सकता था बड़ा हादसा। 2 दिन पहले टावर को नुकसान हुआ था। ओडिशा के पुरी में समंदर के तट पर मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत से आकार देकर बिपरजॉय तूफान की आकृति बनाई है, जिसमें समंदर की ऊंची लहरों को दिखाया गया। साथ ही लिखा गया है कि सावधान रहें, सुरक्षित रहें। पाकिस्तान में भी मचने वाली है तबाही। अरब सागर से उठे बिपरजॉय को लेकर पाकिस्तान में भी अलर्ट है। केटी बंदरगाह के पास हो सकता है लैंडफॉल। सिंध का सबसे पुराना बंदरगाह है केटी बंदरगाह। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी। पंद्रह तारीख तक जखौ और करांची के बीच में लैंड को हिट करने की संभावना है। उसको देखते हुए वहीवटी तंत्र की ओर से कोऑर्डिनेशन वे में सारा प्रयास किया गया है। बिपरजॉय साइक्लोन गुजरात को डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट पोरबंदर और कच्छ से 300 से 400 किलोमीटर दूरी पर है। स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार सभी इक्विप हैं। 15 तारीख का ये बात है, जिसको मैक्सिमम रेनफॉल देख सकते हैं।
कि एंटायर सौराष्ट्र एंड कच्छ में हैवी रेनफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये गैर मुतवक्का तौर पे अपनी रफ्तार और रास्ता चेंज कर सकते हैं। इसी की वजह से बोला निकलो बाहर इधर से, तो कुछ निकल गए, बाकी चंद आदमी बचे हैं वो भी इंशाल्लाह अभी तक शाम तक तो निकल जाएंगे। और सख्त आपको इस महातूफान से जुड़ी बड़ी खबर दे दें, बड़ा अपडेट बता दें। देखिए बिपरजॉय तूफान को लेकर गुजरात लगातार अलर्ट पर है, लगातार प्रशासन की टीम मुस्तैद है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि गुजरात के राहत कमिश्नर ने कहा है कि 50,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप मांडवी की देख रहे हैं, जहां पर लगातार आप समंदर की लहरों को देख सकते हैं, किस तरीके से विकराल रूप लेती जा रही है समंदर की लहरें और तट के आसपास आकर कैसे टकरा रही है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच गुजरात के राहत कमिश्नर की तरफ से कहा गया है कि 50,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है, उन लोगों को जो तटीय इलाकों के आसपास रहते हैं, जिनका काम और घर तटीय इलाकों से बिल्कुल सटा हुआ है, उनको वहां से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है, ताकि अगर ये तूफान और ज्यादा विकराल रूप लेता है तो उससे तमाम लोग सुरक्षित रहें। राहत कमिश्नर हैं गुजरात के, उनकी तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। और ये तस्वीर मांडवी की हम आपको दिखा रहे थे, किस तरीके से मांडवी में पोर्ट का जो हिस्सा है वो भी आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है, केवल सुरक्षा से जुड़े लोग वहां मौजूद हैं, वो भी पूरे एहतियात के साथ। और देखिए चक्रवात से जुड़ा हर अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और अहम जानकारी इस चक्रवात से जुड़ी आप तक पहुंचाने के लिए हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय इस वक्त सीधा मौजूद है डेटा सेंटर में, उनके पास आपको लेकर चलते हैं। प्रणय बिल्कुल आदर्श, और डेटा सेंटर से हम आपको बता दें कि गुजरात के राहत कमिश्नर ने और भी कई अहम बातें बताई हैं, और इस बार वो भी हम दर्शकों को बता रहे हैं, क्योंकि गुजरात के राहत कमिश्नर के मुताबिक चक्रवात कच्छ से 290 किलोमीटर की दूरी पर है और 5 तारीख की शाम को जखाव के पास में इसका लैंडफॉल संभव है, यानी ये तट से टकराएगा। और प्रभावित जिलों में बारिश भी शुरू हो चुकी है, यानी हम आपको बता दें कि 24 घंटे से भी कम वक्त अब बचा है। कच्छ और देवभूमि द्वारका में सबसे अधिक बारिश और बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए 200 से ज्यादा टीमों की तैनाती की गई है, यानी सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका यह हो सकता है। जखाव के पास में लैंडफॉल होना है, कच्छ और द्वारका के इलाके ज्यादा प्रभावित न होंगे, इसीलिए वहां पर बारिश होने लगी है। बिजली बहाल करने के लिए फिलहाल 200 से ज्यादा टीमों को तैनात किया गया है इस पूरे इलाके के अंदर, और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह तूफान बढ़ रहा है उत्तरी अरब सागर में, और मौसम विभाग ने इसका नाम दिया है बिपरजॉय, और इसे वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी VSCS की कैटेगरी में रखा है। और इस पूरे मामले को लेकर गुजरात के राहत कमिश्नर ने क्या कुछ कहा वो भी जरा आपको सुनवा देते हैं। SDRF की टीम सभी जगहों पर पहुंच गई हैं और वो जो भी एक्सपेक्टेड राहत कार्य होने हैं उनके बारे में अपने लॉजिस्टिक्स के काम कर रही हैं। मोबाइल टावर्स में इंट्रा सर्कल फैसिलिटीज जो है उसको चालू किया गया, जिससे कि कम्युनिकेशन लैप्स ना हो। हैम रेडियो सैटेलाइट फोन भी सक्रिय हैं और उनकी टेस्टिंग भी कर ली गई है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स अपने फील्ड में हैं अपनी टीम के साथ, और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट हो या PWD हो जिसका रोड से संबंध होता है, एनर्जी डिपार्टमेंट जो PGVCL जो इलेक्ट्रिक सप्लाई से संबंधित होती है, उनके सारी टीम्स नीचे पहुंच चुकी हैं और मटेरियल स्टॉकिंग भी हमने कर लिया है, जिससे कि अगर कल तेज हवा के चलते जिसकी स्पीड 100 से 140 किलोमीटर तक हो सकती है, अगर ये बिजली के खंभे वगैरह गिर जाते हैं तो उनको हम तात्कालिक रिस्टोर करके सप्लाई को वापस कर सकें। जितने भी माइग्रेटेड एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन थी लगभग 55,000 के आसपास, उसमें से लगभग 46-47,000 के आसपास का माइग्रेशन हो चुका है और वो सेफर प्लेसेस में हैं, बाकी जो बचे हैं उनको हम शाम तक कर देंगे। देखिए लगातार हम आपको तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, गुजरात के राहत कमिश्नर से की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई वो भी हमने आपको बताया, लेकिन तूफान को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है, उससे भी जुड़ा जानकारी आप तक पहुंचा दें। प्रशासन का कहना है कि तूफान की दिशा में थोड़ा बदलाव हुआ है और उस बदलाव की वजह से तूफान द्वारका से थोड़ी दूर से गुजरेगा, इससे द्वारका में इसका असर कम होगा। पहले तूफान द्वारका में बिल्कुल करीब से गुजरने वाला था, लेकिन अब जो टीमें हैं जो लगी हुई हैं इस बात में कि तूफान का रास्ता क्या होगा उसको जानने और समझने में, उनकी तरफ से कहा गया है कि तूफान की दिशा में थोड़ा बदलाव नजर आ रहा है। इसका फायदा यह होगा कि तूफान द्वारका के थोड़ी दूर से गुजरेगा।
चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को देखते हुए गुजरात सरकार और द्वारका के स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की थी कि वो द्वारकाधीश के दर्शन के लिए खतरा टलने तक ना आए, यानी 16 जून तक अपनी यात्रा टाल दें। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। हम द्वारका में हैं और द्वारकाधीश मंदिर परिसर में हैं, और ये है द्वारकाधीश मंदिर जहाँ पर श्रद्धालु देश और दुनिया भर से दर्शन करने के लिए आते हैं। कृष्ण भक्तों की बहुत बड़ी मान्यता, आस्था के प्रतीक हैं द्वारकाधीश जी, और उनके दर्शन के लिए दूर दराज से लोग यहाँ योजना बनाकर परिवार सहित दर्शन करने आते हैं। लेकिन चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से अपील की थी कि वो द्वारकाधीश दर्शन के लिए अगले कुछ दिनों तक ना आए, क्योंकि अभी चक्रवाती तूफान का खतरा बड़ा है। और ऐसे पर रेलवे ने भी बहुत सारी ट्रेनें जो हैं वो रद्द कर दी हैं। इस वजह से भी जो यात्रियों की संख्या है वो काफ़ी कम हो गई है, उसका असर भी देखने को मिल रहा है। ये देखिए मंदिर परिसर, जहां श्रद्धालुओं की भीड़ दिखती थी, खचाखच ये मंदिर परिसर भरा रहता था। ये कतार की जो यहाँ नीचे मंदिर का जो परिसर है, यहाँ पर कतार लगती थी। देखिए किस प्रकार से पूरा कतार का जो परिसर है वो खाली है। यहाँ पुरुषों के लिए अलग कतार लगती थी, महिलाओं के लिए अलग कतार लगती थी, सुरक्षा जाँच यहाँ पर होती थी, लेकिन यहाँ आपको लोग नज़र नहीं आएंगे। मंदिर में भी बहुत कम संख्या में लोग हैं, अधिकतर स्थानीय लोग हैं जो प्रतिदिन द्वारकाधीश के दर्शन के लिए आते हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की थी कि द्वारकाधीश के दर्शन के लिए अगले कुछ दिनों तक ना आए, और यहाँ तक कि कुछ दुकानें जो स्थानीय दुकानें हैं उन दुकानों को भी बंद कराया गया है। इस वजह से भी जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं वो कुछ खरीदारी भी नहीं कर रहे हैं, और लोगों की संख्या काफ़ी कम देखने को मिल रही है। आमतौर पर ये परिसर पूरा श्रद्धालुओं की भीड़ से खचाखच भरा रहता था, लेकिन आज तस्वीर उलट है और यह तस्वीर 15-16 जून तक देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ द्वारकाधीश जो कि आस्था के केंद्र हैं, देश दुनिया से लोग आते हैं द्वारकाधीश के दर्शन के लिए, बहुत मान्यता है। और जब से बिपरजॉय तूफान का खतरा मंडरा रहा था तब से लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि यह खतरा टल जानी चाहिए। द्वारका की रक्षा न केवल द्वारका, पूरे देश गुजरात की रक्षा द्वारकाधीश करते हैं, ऐसी मान्यता है। तो यहाँ पर भी खतरा, स्थानीय लोगों की माने, श्रद्धालुओं की माने, तो खतरा टल जाएगा क्योंकि द्वारकाधीश का आशीर्वाद है। और यहाँ देखिए ध्वज पताका, दरअसल यह जो ध्वज पताका आप देख रहे हैं, ये जो मंदिर है वो 150 फीट ऊंचा है, यानी 150 फीट ऊंचाई पर हवा की गति और अधिक रहती है, और जो ध्वज पताका है वो दिन में 5 बार बदला जाता है। लेकिन कल से जो ध्वज पताका है वो नहीं बदला गया है, यहाँ तक कि जो परसों का ध्वज पताका लगा हुआ था उसी के समानांतर एक और ध्वज पताका लगाया गया। और कल से जो तेज़ हवाएं चल रही थी, अधिक तेज़ हवाएं चल रही थी, इसकी वजह से ध्वज पताका का जो एक हिस्सा है वो खंडित हो गया है। यह भी लोगों का मानना है कि ये संकेत है कि जो खतरा है बिपरजॉय तूफान का, चक्रवाती तूफान का, वो द्वारका से टल गया है। तो देखिए इस कयामत से मुकाबले के लिए क्या कुछ तैयारी है देश के अलग अलग हिस्सों में, खास करके पश्चिमी राज्यों में, वो बताने के लिए हमारे साथ हमारे तीन सहयोगी जुड़ गए हैं। भुज से अंकित गुप्ता, द्वारका से मृत्युंजय सिंह जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे, और मुंबई से हमारे सहयोगी सूरज ओझा जुड़ गए हैं। अंकित, मैं सबसे पहले आपका रुख करूंगा, क्या कुछ तैयारी है और जिस तरीके की जानकारी मिल रही है कि तूफान कुछ रास्ता बदल सकता है, खास करके द्वारका को लेकर, आप भुज में मौजूद है, वहां पर तैयारी क्या है, किस तरीके से राहत के इंतजाम किए गए लोगों के लिए जो तटीय इलाकों में, जरा पूरी जानकारी दीजिए। हरेश, इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये भुज से कुछ दूरी पर मांडवी और ये जो जकाऊ जगह है जहाँ पर ये तूफान आके हिट करेगा, ये साइक्लोन हिट करेगा। भारत में किसी जगह पर अगर ये तूफान हिट करेगा ये वही बीच है, ये वही पूरा इलाका है। और फिलहाल यहाँ पर जैसी जानकारी है 36 घंटे बाद ये तूफान यहाँ पर हिट करेगा, भले ही जो द्वारका से कुछ दूरी पर होकर के निकलेगा, लेकिन अब तक की जानकारी के मुताबिक भारत में ये जो मांडवी और जकाऊ का जो ये पूरा बीच है यहाँ पर आकर के ये तूफान हिट करेगा, और जिस दौरान ये हिट करेगा उस दौरान यहाँ करीबन 135 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलेंगी। और इस वक्त की भी अभी भी मैं बात करूँ तो देखिए समुद्र पूरे उफान पर है, लगातार जो लहरें ऊंची होती जा रही हैं, और इसी वजह से जो आसपास का जो पूरा इलाका है उसको खाली करवा दिया गया है। एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ, देखिए ये जो तमाम दुकानें हैं इनको जो है 2 दिन पहले ही कह दिया गया है कि आप लोग यहाँ से हट जाइए। इस वक्त बीच के किनारे जो तमाम जो दुकानें होती हैं, जो शॉप्स होती हैं, उन सबको जो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, और बाकायदा जो यहाँ पर गुजरात होमगार्ड के लोग हैं वो पूरे इलाके में जो गश्त लगा रहे हैं जिससे कि आसपास कोई ना पहुंचे, और यहाँ पर अगर हम लोग भी पहुंचे तो बाकायदा एंट्री की गई है, बाकायदा NDRF SCRF और जो जिला प्रशासन की टीमें हैं वो आसपास मुस्तैद हैं, जो घर है उनको खाली करवा दिया गया है। लेकिन लगातार जिस जगह पर हम मौजूद हैं अभी आपसे बात करने से 1-2 मिनट पहले ही यहाँ पर तेज बारिश, बहुत तेज बारिश हुई, ऐसा लगा कि कैमरा संभालना भी मुश्किल होगा, लेकिन उसके 2 मिनट के अंदर ही तेज बारिश बंद हुई और हल्की
हल्की सी धूप भी निकल आई है, तो मौसम इस वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है और उसकी वजह भी समझी जा सकती है क्योंकि ये वो तट है जहां पर भारत में जो तूफान है, ये जो साइक्लोन है बिपरजॉय, ये हिट करेगा। और अब तक इसको लेकर के इसमें जो है कोई जो उसका जो रूट है उसमें भले ही द्वारका से अब वो ना टच हो रहा हो, लेकिन यहाँ पर अभी भी यही जानकारी है कि अगले 36 घंटे में बिपरजॉय तूफान हिट करेगा के जी। जो अंकित लगातार तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, और देखिए अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी उस जगह पर मौजूद हैं। अभी तक की जानकारी के मुताबिक जिस जगह पर आकर वो तूफान टकराएगा बिपरजॉय और जहां पर टकराने की पूरी संभावना बनी हुई है, अंकित अगर आपके आसपास, हालांकि आपने तस्वीरें दिखाई हैं, तमाम जगह खाली हैं, दुकान खाली हैं, कोई आपके पास आसपास स्थानीय नागरिक आपको दिख रहा हो, किसी से कुछ बात आप कर पाए? मैं कोशिश करता हूं कि यहां पर जो है ये एक होमगार्ड के जवान है, हालांकि ये कितने बोलने के लिए अधिकृत है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश करता हूं अगर इनसे बात हो सके। भाई साहब एक मिनट, होमगार्ड के ये जवान है गुजरात होमगार्ड के, आप लोगों को यहां क्या ड्यूटी दी गई है, क्या आप लोग देख रहे हो आके? पब्लिक आने को मना है, पब्लिक को यहां पर किसी को नहीं आने दे रहे, तो लोग मान रहे हैं? हां मान रहे हैं। क्या आप लोगों को क्या जानकारी मिली हुई है कि यहां पर कब तक हिट कर सकता है, क्या जानकारी मिली हुई है? जानकारी तो कल तक है, कल तक है। इसी वजह से ये पूरा इलाका ही खाली करवा दिया गया। हाँ, इलाका खाली है पूरा। कितने लोग आप लोग इस तरीके से आप लोग गश्त कर रहे हो या प्रशासन के लोग गश्त कर रहे हैं यहाँ पर? पूरा स्टाफ है इधर, पूरा स्टाफ लगा हुआ है। ये देखिए, ये यहाँ पर जो गुजरात होमगार्ड के जो जवान है वो है, उसकी वजह समझी जा सकती है। इस वक्त अगर आप जो इस पूरे बीच पर देखें तो कुछ एक मीडियाकर्मी, हम लोगों के जो सहयोगी लोग हैं, वो यहाँ पर जरूर हैं, लेकिन उसके अलावा किसी को आने की अनुमति नहीं है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ये उफनता हुआ समुद्र, जिसकी लहर कहां तक पहुंच रही है कुछ अंदाजा नहीं लग रहा है। अभी ये लहर यहां रुक रही है, लेकिन अगले ही एक मिनट में अगली लहर यहां से। अहम जानकारी आप दे रहे हैं अंकित, लेकिन आप भी और आपके साथ जो कैमरा पर्सन मौजूद हैं, आप दोनों भी अपना बिल्कुल ध्यान रखें। और लगातार अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी उस जगह से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर कहा जा रहा है अभी तक तमाम डिपार्टमेंट्स की तरफ से कि वहां से उस तूफान के बिपरजॉय के टकराने की पूरी संभावना है, उस तटीय इलाके से जरूर जाकर टकराएगा वो तूफान। अभी तक वहां से उसके रूट में, उसके रास्ते में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। अंकित आप रहे हमारे साथ, मृत्युंजय सिंह भी द्वारका से हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी। मृत्युंजय आप द्वारका में हैं, अभी जो जानकारी आई कुछ देर पहले कि कुछ तूफान का रास्ता जो है वो बदला है, तूफान ने रुख अपना मोड़ा है और द्वारका से दूर से होकर निकलेगा, क्या कुछ इसको लेकर पूरी जानकारी? और अगर ऐसा होता है तो जो खतरा है, जिस खतरे की आशंका से सब लोग डरे हुए हैं, वो कुछ कम हो जाएगा? लेकिन निश्चित तौर पर प्रशासन ये कह रहा है कि थोड़ा सा खतरा टला है, लेकिन ये चक्रवाती तूफान है और ये अपने समय पर दशा और दिशा बदलते रहता है। लेकिन द्वारका में मौसम में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। कुछ समय पहले तक यहाँ पर तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन कभी धूप छाँव का खेल चल रहा है तो कभी तेज़ बारिश भी आ रही है और हवाएँ तो लगातार चली रही हैं। लेकिन इस वक्त बारिश रुकी हुई है, लेकिन हवाएँ लगातार तेज़ चल रही हैं। आपको बता दें कि जैसी जानकारी आई है कि 40,000 से अधिक, लगभग 50,000 लोगों को गुजरात के समुद्री इलाकों में जो लोग रहते हैं किनारे पर, उनको हटाया गया है। उसमें से जो 5,000 का आंकड़ा है वो सिर्फ द्वारका से है। उस 5,000 लोगों में 2,200 से अधिक लोगों को उनके रिश्तेदारों या परिजनों के यहाँ पहुँचाया गया है और बाकी लोगों को सरकारी संस्थानों में शिफ्ट किया गया है। लगातार यहाँ पर टीमें गश्त लगा रही हैं। कल बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी शाम के समय में और रात को तो लगातार हवाएं तेज़ चल रही थी। इस वजह से जो गोमती घाट है या फिर जो समुद्र के किनारे नाव लगी हुई थी, कई नाव पलट गई, कई जो दुकानें लकड़ियों की बनी हुई थी उन दुकानें भी क्षतिग्रस्त हो गई। तो लोगों को आकलन हुआ कि ये समुद्री तूफान बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है, तो आज भी लोगों ने तैयारियाँ की, अपने सामानों को शिफ्ट किया। लेकिन परिसर द्वारका जो यहाँ पर भीड़ हुआ करती थी वो खाली है। मैं मंदिर परिसर में हूँ, द्वारकाधीश मंदिर ठीक मेरे पीछे है, लेकिन देखिए मंदिर परिसर जहाँ पर खचाखच भीड़ रहती थी वो खाली है। वजह यही है कि ट्रेनें रद्द की गई हैं, जो साधन है, वाहन है, उनकी आवाजाही रोकी गई है। लोगों से अपील की गई है कि अगले 2-3 दिनों तक, जब तक ये चक्रवाती तूफान का खतरा है वो टल नहीं जाता, तब तक आप दर्शन के लिए ना आए, अपने आप को रोकें। तो जो सिर्फ स्थानीय लोग हैं वही अधिकतर लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो ये भी एक तस्वीर है, पर लोगों का ये मानना है कि द्वारका की रक्षा तो द्वारकाधीश ही करेंगे, तो ये खतरा निश्चित रूप से टल जाएगा। और फिलहाल चक्रवाती तूफान का असर तो निश्चित तौर पर गुजरात के तटीय इलाकों में देखने को मिलेगा, तो जब तक एक पूरी तरह से तूफान लैंडफॉल नहीं करता तब तक खतरा तो द्वारका और आसपास के इलाकों में बना ही रहेगा। जी मृत्युंजय, अहम जानकारी आप दे रहे हैं, लगातार बने रहे हमारे साथ। और स्पीच देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर जानने के लिए सीधा आपको साइक्लोन इन्फॉर्मेशन सेंटर लेकर चलते हैं मेरे सहयोगी प्रणय के पास।
बिल्कुल आदर्श, और आप बता दें इस समय जो डेटा सेंटर है वहां से हम बताएं दर्शकों को कि तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 17 टीमें कच्छ में, जहां 4 टीमें तैनात की गई हैं, जामनगर के अंदर एनडीआरएफ की 2 टीमें तैनात की गई, तो वही मोरबी और पोरबंदर में एनडीआरएफ की एक एक टीम को तैनात किया गया है। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से गुजरात के तमाम तटीय इलाकों के अंदर बिपरजॉय के इस आघात से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। द्वारका और राजकोट में एनडीआरएफ की 3-3 टीमों को तैनात किया गया है, तो वहीं गिर और सोमनाथ के इलाके के अंदर एनडीआरएफ की 1 टीम को तैनात किया गया है। वहीं वलसाड़ और जूनागढ़ में एनडीआरएफ की एक एक टीम तैनात की गई है। 24 घंटे का वक्त बताया जा रहा है, अगले 24 घंटे के अंदर जखाऊ पोर्ट के पास में यह बिपरजॉय तूफान लैंडफॉल कर सकता है, यानी टकरा सकता है, और इसके मद्देनजर तमाम तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। और अब रुख करते हैं सीधे मेरे सहयोगी सूरज ओझा मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, जिस तरीके से इस तमाम तैयारियां की गई हैं गुजरात तट पे, लेकिन आप मुंबई में मौजूद हैं, मुंबई में भी इसके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, किस तरीके से वहां पर जो एसडीआरएफ की टीमें हैं उनको तैनात और अलर्ट किया गया है? जी बिल्कुल प्रणय, मैं पहले आपको विजुअल्स दिखा दूं, आपको विजुअल्स देखकर समझ में आएगा कि समंदर कितना घातक दिखाई दे रहा है, कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, और इसी लहरों के की वजह से जो अथॉरिटीज हैं वो डरी हुई हैं और उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट की है कि वो समुद्री किनारों पर ना जाएं। और आप देखिए कि जो मरीन ड्राइव खचाखच लोगों से भरा रहता था, वहां पर आज भीड़ नहीं है, लोगों को यहां आने के लिए रोका गया है, पुलिस लगातार यहां पर पेट्रोलिंग कर रही है, हर समय समय पर पुलिस की एक वैन आती है, लोगों को यहां से हटने के लिए कहती है, क्योंकि लहरें देखिए आप कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, और इसी लहरों की वजह से कोई हादसा हो सकता है, कोई अगर समुद्र के पास रहे तो समुद्र के अंदर जा सकता है। इसी वजह से मुंबई के जितने भी बीचेस हैं, जैसे गिरगांव चौपाटी हो गया, मरीन ड्राइव, जुहू चौपाटी और शिवाजी पार्क जैसे जितने भी समुद्री तट हैं जहां पे पर्यटक या मुंबई वासी जाते हैं समय बिताने के लिए जाते हैं, हर जगह से लोगों को दूर किया गया है, हर जगह पर पुलिस की का बंदोबस्त लगाया गया है ताकि किसी भी घटना से बचा जा सके। देखिए बिपरजॉय तूफान हिंदुस्तान की तरफ लगातार बढ़ रहा है, जो कुछ ही घंटों के बाद गुजरात के तट से टकराने वाला है। बिपरजॉय का लैंडफॉल वैसे तो कल होगा, लेकिन उससे पहले ही हवा डराने लगी है और समंदर की लहरें अपना रौद्र रूप दिखाने लगी हैं। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि खतरा किस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है। एक बड़ा हिस्सा रेड अलर्ट मोड पर है, क्योंकि कुछ घंटे बाद तबाही का ऐसा तूफान आने वाला है जिसकी आहट भर से 9 राज्यों का मौसम बदल गया है। 15 जून की शाम गुजरात के तट से बिपरजॉय नाम का महातूफान टकराएगा, लेकिन उससे पहले इस सुपर साइक्लोन के टीजर भरने डरा दिया। बिपरजॉय कितनी बड़ी आफत का नाम है, ये इसी से समझ लीजिए कि पीएमओ में टीम मोदी नॉनस्टॉप पल पल की मॉनिटरिंग कर रही है। गुजरात में एनडीआरएफ की 17 और एसडीआरएफ की 12 टीमें अभी से तैनात कर दी गई हैं, क्योंकि गुजरात के 8 जिलों पर बिपरजॉय का वार सबसे जोरदार होगा। कई जगह 14 जून तक तो कई जगह 15 जून तक स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। सेना, नौसेना और कोस्ट गार्ड्स के जवान भी महातूफान को जवाब देने के लिए तैयार हैं। अब से कुछ देर पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने सुपर साइक्लोन बिपरजॉय की तैयारियों के मद्देनजर कच्छ में आर्मी बेस कैंप का दौरा किया। उसके बाद वो कांडला पोर्ट पर तूफान के खिलाफ तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम सब आपस में कोऑर्डिनेशन करके इस साइक्लोन की कम से कम इफेक्ट हो उसको ध्यान में रखते हुए नंबर ऑफ टाइप ऑफ एक्शन लिया गया है। सारी व्यवस्था और सारा मैनेजमेंट एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब तैयारी का लेवल ये है तो बिपरजॉय के अटैक से कितने लोगों पर खतरा है, ये महातूफान कितनी तबाही मचाएगा। जवाब जानने से पहले इस खतरे का रूट मैप जानना जरूरी है। तूफान का रूट मैप आखिर है क्या, ये देखिए आप भारत का ये नक्शा। मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, राजकोट, ये वो इलाके जहां पर दस्तक देगा तूफान। गुजरात का ये मांडवी इलाका, जखौ पोर्ट,
कराची, पाकिस्तान का कराची यहां भी हिट करेगा। दूसरी तरफ आप देखिए कच्छ है, अहमदाबाद है, सूरत है, ये वो इलाके जहां पर हिट कर सकता है और तबाही मचा सकता है इन शहरों में, इन जगहों पर। ये T3 लेवल का अभी तक जो है तूफान आया है और इसकी स्पीड जो है वो आपका करीब करीब लगभग 150 किलोमीटर पर आर का चल रहा है। ये चलता हुआ विंड डायरेक्शन अभी कराची और ये इन दोनों की तरफ ही आ रहा है। सबसे बड़ा खतरा मछुआरों पर है, लिहाजा उन्हें अभी से तट के करीब ना जाने की वार्निंग दी जा चुकी है। पेपर जॉय कितना खतरनाक है ये इसी से समझ लीजिए कि मौसम विभाग इस महामुसीबत के लिए सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। 15 जून को पेपर जॉय का स्पीडोमीटर 150 किलोमीटर प्रति घंटे के कांटे को भी छू सकता है। 15 तारीख का ये बात है, जिसको मैक्सिमम रेनफॉल आप देख सकते हैं कि एंटायर सौराष्ट्र एंड कच्छ में हैवी रेनफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और सबसे ज्यादा एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो है कच्छ, देवभूमि द्वारका एंड जामनगर डिस्ट्रिक्ट और हेवी टू वेरी हेवी एट फ्यू प्लेसेस पोरबंदर, राजकोट, मोरबी एंड जूनागढ़। मैं ये आपको बोल के रखूं जो ये जो एरिया है यूजुअली इस टाइम पर ज्यादा रेन नहीं मिलता है, इसीलिए ये जो बारिश होगा इस बारिश की वजह से इनंडेशन हो सकता है, फ्लडिंग हो सकता है लो लाइंग एरिया में। पेपर जॉय और बर्बादी एक अनुमान है, ये बिजली के खंभे उखड़ सकते हैं, संभव है कि ऐसा हो जाए, कच्ची पक्की सड़कों को नुकसान हो सकता है, रेलवे ओवरहेड पावर लाइन ये भी उखड़ सकते हैं, इनको भी सीधे तौर पर नुकसान हो सकता है, फसल बागीचों को नुकसान पहुंच सकता है इसकी भी आशंका बनी हुई है, समुद्र किनारे नावों को खतरा यहां पर बड़ा है, 3 से 6 मीटर तक एस्ट्रोनॉमिक टाइड जो है वो देखने को मिल सकती है, ये एक अनुमान भर है। गिर फॉरेस्ट, सोमनाथ मंदिर और बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट पर भी पेपर जॉय का खतरा है, संकट बड़ा है लेकिन हिंदुस्तान पूरी ताकत और तैयारी के साथ मुकाबले के लिए खड़ा है। और पेपर जॉय तूफान के बारे में हम आपको लगातार हर अपडेट बता रहे हैं। पेपर जॉय तूफान हर पल गुजरते पल के साथ समुद्र तट के और करीब आता जा रहा है और कल दोपहर में यह तट से टकरा सकता है और जखाऊ पोर्ट से करीब 280 किलोमीटर की दूरी पर पेपर जॉय द्वारका से 290 किलोमीटर दूर पेपर जॉय और साथ ही 50,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। गुजरात में एनडीआरएफ की 17 टीमों को तैनात किया गया है इस पेपर जॉय महातूफान के मद्देनजर और जिस समय भारत में यह पेपर जॉय तूफान टकराएगा करीब करीब उसी वक्त पाकिस्तान में भी कोहराम मचाएगा यह तूफान। भारत में तो तूफान को हराने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, जो कसर है वो भी वक्त रहते दूर कर ली जाएगी, लेकिन असली मसला पाकिस्तान का है क्योंकि जहां पर खतरा सिर पर नाच रहा है लेकिन वहां के जिम्मेदार लोग बचाव का इंतजाम करने की जगह ऊपर वाले के फिलहाल भरोसे बैठे हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर यह पेपर जॉय तूफान कहर बरपा सकता है देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। तबाही का ट्रेलर देख कैसे कांपा पाकिस्तान। तेज अफराद जा बहक जबकि 146 से ज्यादा शहरी जख्मी हो गए। मौत देख कैसे दुआएं कर रहा पाकिस्तान। परवरदिगार आलम हम पर रहम फरमा, परवरदिगार आलम हमारे किरदार की तरफ मत देख, परवरदिगार आलम अपने रहम की तरफ नजर फरमा। पेपर जॉय पाकिस्तान के प्राण पखेरू उड़ा देगा। तूफान मजीद शिद्दत अख्तियार कर गया। बॉर्डर पार पेपर जॉय का खौफ चल रहा है। खौफ की वजह है ना तूफान से निपटने के इंतजाम है, ना मियां शरीफ को आवाम को बचाने की जल्दबाजी है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पेपर जॉय तबाही का ट्रेलर पाकिस्तान को दिखाने लगा है, पाकिस्तान को उखाड़ फेंकने में लगा है। पेपर जॉय मौत का बवंडर बनकर पाकिस्तान के सर पर नाचने लगा है। तूफान कैसे कयामत लाने वाला है, कितनी तबाही मचाने वाला है, इसका ट्रेलर पाकिस्तान से आई इन खौफनाक तस्वीरों से समझिए। कराची से लेकर पंजाब तक का हलक कैसे सूखा है, इसकी एक एक कलेजा चीर तस्वीर आपको दिखाएं। उससे पहले ये जानिए कि पेपर जॉय की दस्तक से पहले ही पाकिस्तान कैसे मरघट बनने लगा है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बारिशों और तूफान ने तबाही मचा दी। 23 अफराद जा बहक जबकि 146 से ज्यादा शहरी जख्मी हो गए। तेज बारिश और नदी नालों में तुगयानी के सबब गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। बिजली मुनक़ता हो गई।
पाकिस्तान की सांसें ऐसे ही नहीं उखड़ रही। पिपरजॉय तूफान आने से पहले ही पाकिस्तान पर कयामत टूटने लगी है। गवाह पाकिस्तान मीडिया के आंकड़े हैं। पिछले 24 घंटों में अकेले सिंध में 27 लोगों की मौत हो चुकी है। जान गंवाने वालों में 8 बच्चे भी शामिल हैं। 150 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। सिंध से 80,000 लोगों को निकालने की कवायद है, लेकिन नतीजा सिफर है। हैरानी ये है कि शहबाज सरकार ने अब तक समुद्री इलाकों तक कोई इमरजेंसी सुविधा नहीं पहुंचाई, लिहाजा आवाम दहशत में है। और समुद्री तूफान बिपरजॉय कराची के करीब, लेकिन इब्राहिम हैदरी चश्मा गोट के रिहायशियों के पास जले इंतजामिया न पहुंच सकी। हमारे लिए गवर्नमेंट कोई सहूलत नहीं कर रहा है। मकसद वगैरह आते हैं, वीडियो वगैरह बना के चले जाते हैं कि बेफिक्र हो जाए, हम आप लोगों के लिए कुछ करते हैं, मगर करते कुछ नहीं। कहाँ महफूज हैं हम, गरीब बंदे कहाँ जाएंगे? हम आ गए रहे, समझो कि हम समझो कभी होता है समुद्र का काम, कभी नहीं होता। ये अभी समझो समुद्र तो हमारे बिल्कुल करीब है, समझो कि अभी हमें पता नहीं है कि कितना जल्द हमें आ सकता है। समझो कि यहाँ पूरा पानी वगैरह आ जाता है तो हमारे घर वगैरह डूब जाते हैं, समझो गिर जाते हैं, तो गवर्नमेंट हमें तो बना के नहीं देती। कलेजा कपाने वाली तस्वीर तो पाकिस्तान के गुजरात से भी आई। बिपरजॉय कैसे प्रचंड हो रहा है, कैसे पाकिस्तान को तिनके की तरह उड़ा ले जाने की तरह बेताब है। पाकिस्तान के गुजरात से आई ये खौफनाक तस्वीरें उसकी गवाह। बिपरजॉय पाकिस्तान के दक्षिण हिस्से से टकराने वाला है। पाकिस्तान के मौसम विभाग ने बाकायदा ट्वीट कर पाकिस्तानियों को खबरदार रहने की हिदायतें दी है। जी बिपरजॉय तूफान मजीद शिद्दत अख्तियार कर गया है और कराची में ये इस वक्त जुनूब के तरफ मौजूद है और कराची और ठट्टा से तकरीबन भी 600 किलोमीटर की दूरी पर है। और मैं यहाँ मौजूद हूँ साहिल समंदर पे। यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि दफ़ा 144 नाफिज तो की गई है, लेकिन इसके खिलाफ वर्जी बहुत होती नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आवाम का रश जमा होता जा रहा है। हिंदुस्तान पूरी तैयारी कर चुका है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। तब मियां शरीफ खोखली तैयारियों से डरकर पाकिस्तानी सांसद संसद में खड़े होकर अल्लाह मियां से दुआ कर रहे हैं कि पाकिस्तान को बचा लो। परवरदिगार आलम जो मुसीबत आने वाली है तो उनको टाल दे। परवरदिगार आलम जमीनी आसमानी आफात से अहले कराची और इस तरह ग्वादर के आस पास रहने वाले लोगों को महफूज फरमा। परवरदिगार आलम हम पर रहम फरमा। परवरदिगार आलम हमारे किरदार की तरफ मत देख। परवरदिगार आलम अपने रहम की तरफ नज़र फरमा। परवरदिगार आलम जो मुसीबत आने वाली है उसको वहीं से ख़त्म कर दे जहां से मुसीबत आ रही है। परवरदिगार आलम हम पर रहम फरमा, तमाम मुसलमानों पर रहम फरमा, अहले पाकिस्तान पर रहम फरमा। बलूचिस्तान और ग्वादर जैसे इलाकों में तूफान कहर बरपाने लगा है। बलूचिस्तान में ये लोग समंदर के किनारे छोटे बांध बना रहे हैं ताकि बिपरजॉय को रोका जा सके। ये आवाम की लाचारी ही तो है, हुकूमतें नींद में हैं, लिहाजा आवाम खुद जान बचाने की जुगत में लगी। देखिए लगातार बिपरजॉय तूफान से जुड़ी हर जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान में लोग तो ऊपर वाले के भरोसे बैठे हैं, ये भी हमने आपको दिखाया, लेकिन हिंदुस्तान में सरकार एक एक जान को बचाने के लिए जुटी हुई है, पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि खतरा यहां भी उतना ही बड़ा है जितना पाकिस्तान में है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और जरा इन तस्वीरों को देखिए और समझिए इस वक्त गुजरात में क्या हालात हैं। अलग अलग जगह द्वारका, कांडला, कच्छ, नवसारी, भुज, गिर सोमनाथ, जूनागढ़, वलसाड़, इन तमाम जगहों पर ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। हवाओं की रफ्तार अचानक तेज़ हो गई है, मौसम लगातार बदल रहा है। कभी अचानक रहकर बहुत तेज़ बारिश होना शुरू हो जा रही है, फिर बादल आ जा रहे हैं, फिर धूप हो जा रही है। इस तरीके से मौसम बदल रहा है और जो आशंकाएं जताई गई हैं कि कल जहां पर लैंडफॉल होना है उसके बाद थोड़ा सा खतरा और बढ़ सकता है, उस दौरान भी बढ़ सकता है।